महाराजगंज से खबर है जहां लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है, जिसको लेकर जिलाधिकारी अनुनय झा ने आज स्वीप अभियान के तहत विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान जैसे कपड़े, होटल, इलेक्ट्रॉनिक, रेस्टोरेंट व अन्य के वरिष्ठ व्यापारी व स्वामी होलसेलर रिटेलर के साथ बैठक करते हुए दिशा निर्देश दिए, जिसे सभी ने सहमति जताई। जिसमें जिलाधिकारी ने बताया, सभी व्यापारियों के साथ बैठक की गई, हमने उनसे सहयोग मांगा है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 जून को आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसमें जो महाराजगंज के वोटर हैं उनके लिए 1 व 2 जून को स्पेशल ऑफर दिया जाएगा, जिसमें ड्रग विभाग ने कहा वोटरों को 10% छूट देंगे। वहीं अन्य व्यापारियों ने भी 10 से 20% छूट देने की बात कही। महाराजगंज से दैनिक भास्कर के लिए शत्रुंजय सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज के जितने भी होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन वाले हैं, ड्रग एसोसिएशन, जितने भी ग्रोसरी स्टोर ओनर्स हैं, रिटेल स्टोर ओनर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर्स हैं, इनके साथ हमने बैठक की और इनसे हमने सहयोग मांगा कि आगामी निर्वाचन, लोकसभा निर्वाचन जो 1 जून 2024 को होना है, इसमें जो भी हमारे महाराजगंज के नागरिक हैं जो वोट करेंगे, इनको एक स्पेशल ऑफर दिया जाए 1 और 2 जून को। ड्रग एसोसिएशन ने हमें वायदा किया है कि वो 1 और 2 जून को जो भी वोटर जिन्होंने वोट किया है, वो अपना जब अमित शाह का प्रमाण देंगे तो उनको 10% ऑफ उनके बिल पे मिलेगा। वैसे ही रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी कहा है कि वो 10 से 20% के बीच में डिस्काउंट देंगे। कुछ ग्रोसरी ओनर्स ने भी बोला है कि वो 5 से 15% के बीच में डिस्काउंट देंगे। ये एक बहुत ही अहम स्टेप है हमारे लिए, क्योंकि महाराजगंज का जो अभिमान है कि यहाँ पे 100% मतदान हो, उसमें पूरे सिविल सोसाइटी यहाँ पे ज़ोर शोर से हमारा सहयोग करी और हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में हम वोटिंग परसेंटेज में नंबर 1 बनाएंगे।